महिला पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। भारतीय महिला पहलवानों के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा उप जिलाधिकारी गरौठा अतुल कुमार को राष्ट्र के नाम पर संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के साथ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा गैंगरेप यौन उत्पीड़न किया गया है। वह महिला पहलवानों को माँ बहन की गंदी गालियाँ दी गयी है। साथ ही महिला पहलवानों को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इसके बाद भी दोषी के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने उक्त घटना के विरोध में तहसील गरौठा के सभी पदाधिकारियों सहित गरौठा उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और रिपोर्ट दर्ज कराने की गुजारिश की। इस मौके पर कमलेश लंबरदार, जिलाध्यक्ष झांसी पंकज राजपूत, किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष राजा राम कुशवाहा, तहसील महासचिव रजनी देवी, महोबा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद, जगदेव तिवारी, संजय श्रीवास, भूपेंद्र पटेल, राम कुमार, संजय शर्मा, अरविंद कुसुम कुशवाहा, करण सिंह यादव आदि लोग शामिल रहे। गरौठा से अमल लेखनी न्यूज के लिए हेमंत यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह राजपूत, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष गरौठा। किस संबंध में आए हैं आज? किस संबंध में ज्ञापन दिया आपने? दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का धरना पहलवानों के समर्थन में चल रहा है। यदि उसमें ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम हर जगह से सारे किसान तहसील स्तर, जिला स्तर पर भी आंदोलन कर सकते हैं।